गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ इस तरीके से येलो एंड ब्लू टोन में फोटो को एडिटिंग करना सिखाएंगे लाइट रूम ऐप का यूज करके। गाइज सिर्फ लाइट रूम ऐप का यूज करके कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। तो आपको भी कुछ इस तरीके से फोटो को एडिटिंग करना सीखना है ना सिर्फ लाइट रूम ऐप का यूज करके, तो आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग करना सीख जाएंगे। इनके इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वन क्लिक में कुछ इस टाइप से फोटो को एडिटिंग कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले आपको अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंड वाले आइकॉन पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है, ऐड टू एलर पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ऊपर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको लाइटरूम एप्लीकेशन का एक नोटिफिकेशन शो करेगा, ठीक है। तो इस पर आपको टैप कर देना है, टैप करते ही आप सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो ऐड हो चुके हैं। तो आपको फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो को ओपन कर लेना है जिस फोटो को आप ऐड किए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे ऊपर आपको ऑटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि लाइट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जस्ट नीचे आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 35% रखना है और यहाँ से आपको हाईलाइट्स को कम कर लेना है। हाईलाइट्स को कम करके यहाँ से आपको हल्का सा कम करना है, यहाँ पे 55% आपको माइनस में रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइट्स, तो वाइट्स को भी आपको डिक्रीज कर लेना है माइनस में 23%, और यहाँ से ब्लैक्स को भी आपको डिक्रीज कर लेना है 32%, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करके यहाँ से आपको 30% रख लेना है प्लस में। एंड गाइस यहाँ पे टिंट को आपको डिक्रीज करना है, टिंट को डिक्रीज करके यहाँ से 19% आपको रखना है, ठीक है। वेविडेंस को भी यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है, वेविडेंस को इंक्रीज करके 37% प्लस में रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ से मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉर्नर में, और सबसे लास्ट वाले कलर को आपको सेलेक्ट करके इसका सैचुरेशन आपको पूरा डिक्रीज करके 100 कर देना है माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से पर्पल कलर सेलेक्ट करके इसका भी सैचुरेशन डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करके इसका भी सैचुरेशन यहाँ से आपको डिक्रीज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्वा ब्लू कलर सेलेक्ट करना है और इसका भी सैचुरेशन यहाँ से आपको डिक्रीज करके माइनस में आपको 100 कर देना है, ठीक है। इतना आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ह्यू को पूरा डिक्रीज करके माइनस में आपको 100 कर देना है और यहाँ से आपको सैचुरेशन को फुल इंक्रीज कर देना है। इनगेज यहाँ से लुमिनस को हल्का सा डिक्रीज करके माइनस में आपको 22% कर लेना है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जा करके फोटो एडिटिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, येलो कलर आपको सिलेक्ट करना है, और येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, सैचुरेशन को हल्का सा कम कर लेना है। यहाँ पे सैचुरेशन को यहाँ से आपको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करके यहाँ से माइनस में आपको 69% रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ह्यू को भी कम करना है, ह्यू को कम करके इतना आपको रख लेना है, आपको 17% रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ल्यूमिनस को हल्का सा डिक्रीज करेंगे और डिक्रीज करके माइनस में आपको 10% कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से ऑरेंज कलर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सैचुरेशन को कम करना है, ठीक है। सैचुरेशन को कम करके यहाँ से आपको इतना रख लेना है, 48% आपको रख लेना है। एंड गाइस यहाँ से आपको ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा, जितना आपको फोटो को वाइट करना होगा ना उतना यहाँ से आपको इंक्रीज कर लीजिएगा 26%, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे 27%, ह्यू को यहाँ से आपको डिक्रीज करना है माइनस में 25%, और ल्यूमिनस को यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है 22%। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। आप क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और निकल यहाँ पे आपको मिल जाएगा शैडोज, ठीक है। तो इसको बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे ब्लू के साइड में आपको कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से मिड टोन्स मिलेगा तो इसको भी बीच से पकड़ के हल्का सा यहाँ पे ब्लू के साइड में आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको बीच से पकड़ के इसको भी आपको ब्लू के साइड में इतना कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद टेक्सचर को इंक्रीज कर लेंगे प्लस में 6%, क्लियरिटी को भी यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 8%, और यहाँ पे डीएस को भी आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 6%। नेक्स्ट यहाँ से विग्नेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अमाउंट को कम कर देना है, ठीक है। अमाउंट को कम करके इतना आपको रख लेना है, 50 के अराउंड आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे मिड पॉइंट को भी आपको कम करना है, मिड पॉइंट को कम करके माइनस में आपको 33% रख लेना है। उसके बाद यहाँ से फेदर को इंक्रीज कर लेंगे और राउंडनेस को भी यहाँ से आपको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से अमाउंट को आपको इंक्रीज कर लेना है 27%। नेक्स्ट यहाँ पे नॉइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, नॉइज डिडक्शन को इंक्रीज करके फुल 100 आपको कर देना है, और यहाँ पे आपको कलर नॉइज पे क्लिक कर देना है। कलर नॉइज पे क्लिक करने के बाद कलर नॉइज डिडक्शन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है प्लस में 2%,
और यहाँ से सबसे लास्ट में आपको स्मूथनेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको फुल इंक्रीज कर देना है 100%, ठीक है। फुल इंक्रीज करते ही आपकी फेस जो है फुल HD क्वालिटी में स्मूथ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे ब्लू कलर को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ब्लू कलर को ऐड करने के लिए यहाँ पे मास्किंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनका जहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके यहाँ पे कलर रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कलर रेंज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कलर रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से आपको सर्कल देखने को मिल जाएगा। तो इसको सर्कल को ना कुछ इस तरीके से आपको स्काई के ऊपर रख लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको रिफाइन के वैल्यू कम करके इतना आप लोग को रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। फिर से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप रखना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। देन गाइस यहाँ पे फोटो को आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अभी फोटो बहुत ही ज़्यादा मस्त एडिट हो चुकी है। तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव कॉपी टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा। तो ओके पे क्लिक करते ही आपकी फोटो जो है फुल HD क्वालिटी में गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। एंड गाइस फोटो को वन क्लिक में एडिटिंग करना है तो इसका प्रीसेट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।